हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितिन और आज मैं एक जूते की मैंने शूज मंगवाए थे मिंत्रा से, तो मिंत्रा के साथ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है जो कि डिलीवरी का अगर मैं देखूं तो अच्छी रही, मतलब नेक्स्ट डे ही आ गया। जैसे मैंने आज ऑर्डर किया था, नेक्स्ट डे मुझे डिलीवर हो गया। फर्स्ट टाइम मैंने मिंत्रा से कुछ खरीदा है तो ठीक है, डिलीवरी और ऑर्डर का प्रोसेस तो ठीक था। बाकी अब वहां से क्या मेरे पास आया है और कैसा है, किस तरीके की पैकिंग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने 3 दिन पहले एक जूते मंगवाए थे रोडिस्टर के बूट्स, जो कि मिड टैप फ्लैट बूट है ब्लैक में। पहले मैंने नेवी ब्लू मंगवाए थे लेकिन वो मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगे, तो मैंने वो रिटर्न करके फिर वापस से ब्लैक कलर मंगवाया है। तो आज मैं उसकी एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो इसी के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। तो कौन कौन सा मटेरियल उसके अंदर यूज हुआ है, किस तरीके का शूज है, कैसे उसको पहना जाता है मुझे नहीं पता है, मतलब क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बूट्स के साथ में। मैंने बूट्स कभी पहले ट्राई भी नहीं किए हैं, तो मैं हमेशा स्पोर्ट्स शूज या फिर कैजुअल स्नीकर्स वगैरह यही सब पहनता हूँ। तो अब ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो चलिए देखते हैं। पहले तो शूज मैं चेक करता हूँ कैसे हैं, कैसे नहीं, कैसे दिखते हैं, तो सिर्फ फोटो में देखे, बाकी रियल में कैसे दिखते हैं नहीं पता। तो चलिए पहले एक बार शूज की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद में फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर कुछ ब्रांडिंग दी हुई है और कुछ इस तरीके से, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स इसकी दी हुई है। मैंने ये जो शूज मंगवाया, मैंने मंगवाया 7 नंबर का, तो यूके के हिसाब से 7 नंबर आता है, तो 7 नंबर है। ब्रांड है ये रोडिस्टर और इसका जो प्राइस है 2899 रुपए इस पे एमआरपी है, लेकिन ये मेरे को पड़ा है 1043 रुपए का, जो कि मिंत्रा से मैंने मंगवाया था। और मिंत्रा पे आप एक चीज और देखेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, कि जब हम ऑर्डर मैंने किया था ना तो 1300 रुपए का था, तो फिर मैंने वो ऑर्डर कर दिया, लेकिन उसका जैसे ही मैंने इस प्रोडक्ट को दोबारा रिव्यू किया तो इसके अंदर जो प्राइस था ये चेंज हो गया था, ये हो गया था 1000। फिर उसके बाद मैंने 1000 पे इसको ऑर्डर किया। और इससे पहले मैंने ये नेवी ब्लू कलर में मंगवाया था, तो मैंने पहन के देखा मुझे ज्यादा अच्छा लगा, तो मैंने रिटर्न करके फिर ये ब्लैक कलर में मंगवा लिया। और इसके मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सिंथेटिक लेदर का है, ये पहले निकाल लेते हैं उसके बाद देखते हैं। ब्लैक कलर फिर भी थोड़ा उससे कूल लग रहा है, जो नेवी ब्लू था उससे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये ब्लैक कलर, और ये कॉमन कलर है, किसी पे भी चल जाएगा इजीली। तो पहले इसको साइड कर देते हैं, इसके बॉक्स को। ये जो शूज है कुछ इस तरीके का है, अच्छा लग रहा है काफी। ये 7 नंबर मैंने मंगवाया था, यहाँ पे अगर आपको देख पा रहे हो आप तो ये 7 नंबर है। और जो इसका सोल है वो TPR सोल है, सिंथेटिक है ये, जिसका मटेरियल सिंथेटिक लेदर, और वो ये हम इसको सूखे कपड़े से भी साफ कर सकते हैं और पॉलिश भी आई थिंक ये हो जाएगा, कोई आइडिया नहीं है, बाकी देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। तो वन पेयर है, ओ माय गॉड, ठीक है इतना तो चलता है, बाकी अच्छा जब पहनेंगे जब देखेंगे, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं इस तरीके का शूज पहनने का, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं पहनूंगा ये वाला शूज, ठीक है ट्राई करेंगे इसको। बाकी एक बार अभी पहन के भी मैं ट्राई करूंगा, पहन के भी दिखाता हूँ अभी आपको एक बार किस तरीके कैसा लगता है पहनने के बाद में, अच्छा लग रहा है वैसे, काफी कूल, काफी अच्छा लग रहा है अभी तो ये। और अभी तो मैंने जो पहना है ये लोअर के ऊपर पहना हुआ है तो इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है, बाकी जीन्स पे जब पहनूंगा तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज़ बहुत ही लाइट वेट है और चलने में भी थोड़ा सा इजी है, इसके अंदर मैं बहुत लाइट वेट है, कंफर्टेबल है।